वेलकम बैक टू माई चैनल एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो अभी मैं आज सोची कि आज थोड़ा बाहर शूट करते हैं और आज ही इतना बारिश होने वाला था बाहर, लिटरली बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है एंड अभी थोड़ा रुका है और हवा बहुत मतलब ठंड वाला हवा चल रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा थोड़ा ठंड भी लग रहा है एंड मेरे सारे बाल बिखर रहे थे तो मैंने ये बकेट हैट लगा दिया। एनी गॉट हुए बिना लेट्स गेट इन टू द मेन पॉइंट। तो आज होने वाली है H&M हॉल, मोस्टली H&M टीज हॉल, क्योंकि इसमें बेसिकली सब कुछ टी शर्ट ही है। तो टी शर्ट आर मोस्ट कम्फी एवर, मतलब आप इसको किसी के साथ भी आजकल पेयर कर रहे हैं, चाहे स्कर्ट है, मिनी स्कर्ट है, लॉन्ग स्कर्ट है, जीन्स तो है ही है, ट्राउजर्स के साथ भी टी शर्ट पहन रहे हैं एंड टी शर्ट इन साइड अब ब्लेजर भी पहन रहे हैं। तो टी शर्ट इज़ द मोस्ट कम्फी एंड मोस्ट यूजफुल थिंग। तो आज हम देखने वाले हैं बेस्ट 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 टी शर्ट फ्रॉम H&M एंड विथ बेस्ट प्राइस। सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो माय फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस व्हाइट टी शर्ट। यहाँ पे बहुत ज्यादा हवा हो रहा है, पता नहीं क्यों सडनली स्टार्ट हो गया। एनीवे, सो दिस इज अ ओ साइज्ड व्हाइट टी शर्ट। ये बिल्कुल ही मतलब पीछे से प्लेन है एंड फ्रंट में यहाँ पे एक ग्राफिक डिजाइन बना गया है रेक्टेंगल शेप में, तो जो कि काफ़ी कूल लग रहा है। इस टी शर्ट का लुक बिल्कुल ही चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ दिस ग्राफिक डिज़ाइन। तो ग्राफिक टीज भी आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहे हैं एंड ओवर साइज टीज विथ अ स्लिम फिट जीन्स लुक्स रियली 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 कूल। तो मैं तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हूँ एंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड द मटेरियल इज़ टू शॉफ्ट। तो इसकी प्राइस भी अराउंड 500 to 600 है, आई विल मेंशन इन द स्क्रीन एंड इस सबकी प्रोडक्ट की जो भी लिंक्स है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि H&M की पैकिंग बहुत अच्छी से इसके अंदर होके आई थी, जो कि मैं ऑलरेडी खोल चुकी हूँ। तो प्रॉपरली पैकिंग करके देते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। सो या दिस इज अ ओवरसाइज्ड टी और ये काफ़ी लूज है, बिल्कुल ही ओवरसाइज्ड है एंड इसकी मटेरियल थोड़ी थिक है जो कि काफ़ी अच्छी है, मतलब विंटर के लिए तो इट्स परफेक्ट। एंड इसके फ्रंट में ऐसे कुछ थोड़े बहुत लिखे हुए हैं प्रिंट में एंड द बैक इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइन। तो आजकल मतलब बैक में कुछ डिज़ाइन होना इज़ लाइक सो कूल, सुपर कूल। सो इसके बैक में ऐसे एक स्क्वायर शेप में ग्राफिक डिज़ाइन है और नीचे कुछ लिखा हुआ है एंड द फ्रंट लुक्स लाइक दिस एंड आई लव दिस कलर। दिस इज़ टैन लैवेंडर प्लस टैन कलर का मिक्स जो कलर होता है दिस वन। सो एंड द प्राइस इज़ 799। तो आई थिंक 799 में दिस इज सच अ गुड डील एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत 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 अच्छी। सो द नेक्स्ट वन इज दिस वन। दिस इज़ अ ब्लैक टी शर्ट एंड द साइज ऑफ द टी शर्ट इज स्मॉल आई थिंक। या दिस इज इन द साइज स्मॉल एंड इसके ऐसे फ्रंट में चेन्स बने हैं जो कि काफ़ी कूल लग रहे हैं, मतलब द एक्सेसरीज इज़ ऑलरेडी एडेड ऑन द टी शर्ट जो कि बहुत कूल लग रहा है। बाकी टी शर्ट इज़ रियली सिंपल एंड प्लेन एंड बिल्कुल प्लेन है और इसके फ्रंट में सिर्फ ये छोटू सा चेन लगा है जो कि काफ़ी मतलब अच्छी क्वालिटी की चेन है एंड आई डोंट थिंक इसका कलर इतना जल्दी फेड होने वाला है। सो आई एम लविंग दिस चेन। ऐसा सिर्फ एक तो चेन एक्सेस मतलब H&M में 799 आ जाता है बट दिस टी शर्ट विद द चेन कॉस्ट 899, मतलब 900 अराउंड, विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। एंड इसकी मटेरियल भी काफ़ी अच्छी है, मतलब इट्स सॉफ्ट और इतनी थिनर भी नहीं है, मतलब बिल्कुल भी सी थ्रू टाइप्स नहीं है। दिस इज़ अ गुड मटेरियल। सो द नेक्स्ट टी शर्ट इज़ अगेन फ्रॉम H&M एंड दिस इज़ द टी शर्ट। दिस इज़ बिल्कुल वेरी प्लेन एंड सिंपल टी शर्ट, ये ऐसे आप घर में पहन सकते हो, डेली यूज टाइप टी शर्ट और एल्स यू कैन यूज़ इट फॉर लेयरिंग। तो लेयरिंग के लिए हमें मतलब प्लेन सिंपल और डिफरेंट कलर के टी शर्ट चाहिए होते हैं, तो आप मतलब ब्लेजर के अंदर अगर चाहते हो पहनने के लिए तो दिस इज़ परफेक्ट वन, क्योंकि लेयरिंग के लिए ये सब बहुत परफेक्ट रहता है। ये दिस इज़ लिटिल थीनर, मतलब थोड़ा पतले मटेरियल में है एंड सी थ्रू भी है बिकॉज द प्राइस इज़ 399। तो 400 रुपये में H&M से यही मिलेगा। सो बट एनी वे इट्स वेरी कम्फर्टेबल एंड द मटेरियल इज़ रियली सॉफ्ट। तो आपको इसको मतलब लेयरिंग के लिए यूज़ करना है या फिर डेली यूज़ के लिए घर में यूज़ करना है, इट्स ऑन यू।
तो आई एम तो डेफिनेटली गोइंग फॉर लेयरिंग, क्योंकि इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा है. दिस इज बेबी पिंक इन कलर. सो या नेक्स्ट इज दिस वन. सो दिस इज ऑल्सो अ ओवर साइज टी शर्ट, जो कि मतलब ओवर साइज टी शर्ट इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं बहुत सारे ओवर साइज टी शर्ट ली हूँ. इसका फ्रंट बिल्कुल ही सिंपल है, तो और यहाँ पे थोड़ा सा साइड में कुछ लिखा हुआ है अ वर्ल्ड बियॉन्ड, एंड पीछे ही ग्राफिक इसका बना हुआ है और बहुत ज़्यादा कुछ बना हुआ है. सो दिस विल लुक रियली कूल अगर आप इसको पहनो, मतलब अच्छे से विथ अ गुड पैंट एंड शूज, अच्छे से पेयरिंग अप पेयर अप करोगे तो दिस विल लुक बॉम्ब. और इसका प्राइस है 599. सो 599 भी ये काफ़ी कूल सा टी शर्ट है फ्रॉम H&M, एंड द कलर इज़ रियली 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 कूल. इट्स सम ब्लूइज काइंड ऑफ कलर, बट एग्जैक्टली कौन सा कलर आई कैन से. एंड इसके पीछे जो प्रिंट्स वगैरह वो हैं, दैट इज़ इन बेबी पिंक एंड ग्रे सॉर्ट ऑफ कलर. और ये 3D प्रिंटिंग टाइप्स है, थोड़ा मतलब प्रोजेक्शन है इसमें, तो जो कि काफ़ी कूल लग रहा है. सो या एंड इसके मटेरियल भी काफ़ी सॉफ्ट है, थोड़ी सी थिन मटेरियल है, बट नॉट लाइक दिस, इससे थोड़ा मोटा है तो, और इससे पतला है. सो या द मटेरियल की क्वालिटी मतलब प्राइस के हिसाब से डिफर करता है. जैसे 799 तो थोड़ा मतलब मोटा सा मतलब कपड़े हैं, और ये दिस इज 599 तो थोड़े पतले कपड़े हैं, बट विथ अ इनर दिस विल लुक गुड. अगर आपको मतलब सीयरिंग से थोड़ा प्रॉब्लम है, आप बेटर है आप इसको इनर के साथ पहनो, तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा. एंड दिस इज सच अ कूल 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 टी शर्ट, आई एम जस्ट लविंग इट. नेक्स्ट इज अ टी शर्ट, ब्लैक, प्लेन ब्लैक सॉलिड टी शर्ट. तो प्लेन सॉलिड टी शर्ट हमेशा ज़रूरत पड़ती है, मतलब अगर कुछ भी नहीं है आपके पास पहनने के लिए, फिर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो कि आप क्या पहनो, तो प्लेन ब्लैक विथ एनी काइंड ऑफ पैंट, कोई भी पैंट के साथ दिस विल लुक गुड. मतलब कार्गो वगैरह हो या फिर एनी काइंड ऑफ जींस, बस थोड़ा कलर आपको देखना है कि कौन से कलर के साथ ही अच्छा लगेगा, अदरवाइज दिस इज जस्ट परफेक्ट. तो इसका प्राइस आई थिंक इट्स 599, तो 599 में दिस इज सो गुड, एंड मेरा साइज है S. ओके, सो द नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट इज वाइट प्लेन टी शर्ट फ्रॉम द ब्रांड H&M, एंड मेरी साइज है अगेन यूरो S इसमें. एंड दिस इज सच अ ब्यूटिफुल टी शर्ट, क्योंकि वाइट प्लेन सॉलिड टी शर्ट आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कुछ भी ना हो तो आपके पास एटलीस्ट प्लेन ब्लैक एंड प्लेन वाइट तो होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ड्रेसेस के साथ मतलब पैंट्स के साथ या फिर बॉटम वेयर के साथ आ जाएंगे, एंड लेयरिंग के भी बहुत काम आ जाएंगे ये दोनों. सो दिस इज अगेन आई थिंक इन दोनों का प्राइस सेम है, आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन. सो या वन, आई जस्ट लव दिस कलर, ये बहुत ही यूनिक और ब्यूटीफुल सा कलर है. दिस इज काइंड ऑफ डस्टी लैवेंडर कलर, एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड ज़ारा, और ज़ारा के भी प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं. और H&M और ज़ारा के बीच में कंपेयर करें तो मुझे प्राइस की वजह से H&M अच्छे लगते हैं, बट द मटेरियल एंड द क्वालिटी इज़ रियली गुड फ्रॉम ज़ारा. कलर और ये बिल्कुल ही सॉलिड प्लेन टी शर्ट है, इसके आगे पीछे कुछ भी प्रिंट डिज़ाइन ग्राफिक कुछ भी नहीं बना हुआ है, दिस इज़ जस्ट प्लेन टी शर्ट. टी शर्ट इज सेम एज द लास्ट वन, जस्ट द डिफरेंस इज द कलर. तो इसकी कलर है ऑलिव ग्रीन, एंड ये जो भी टी शर्ट मैं ज़ारा की दिखा रही हूँ, इसके मटेरियल H&M के मटेरियल से थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट हैं, मतलब काफ़ी सॉफ्ट हैं, एंड थोड़े मतलब ऐसे स्ट्रेचेबल काइंड ऑफ भी हैं, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा पहनने के लिए. सो एंड ऐसे मतलब सॉलिड टी शर्ट फ्रॉम डिफरेंट कलर मेक योर वार्डरोब रियली मतलब कलरफुल, और काफ़ी अच्छा लगेगा ये चीज़ें सारे मतलब वार्डरोब खोल के देखने के लिए, एंड पहनने भी ये दोनों बहुत मतलब सुंदर लगेंगे, क्योंकि आप अभी इसको डिफरेंट डिफरेंट टी शर्ट के साथ अगर टक इन करके भी पहनोगे, एंड डिफरेंट डिफरेंट पैंट के साथ सॉरी डिफरेंट पैंट के साथ अगर आप इसको टक इन करके पहनोगे तो काफ़ी कूल लगेगा. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप यू एन्जॉयड माई वीडियो. आई हैव ऑलरेडी सोन आई गेस 9 to 10 टी शर्ट, आई थिंक 9 टी शर्ट, और थोड़े बारिश भी होने लग गए, थैंक गॉड बारिश होते हुए मेरा वीडियो कम्प्लीट हो गया. सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.